हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र साथ करेंगे। सामाजिक विज्ञान का भूगोल का 11 अगस्त का है ये। इसमें हम मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता है। यानी जो मनुष्य है वो पर्यावरण, जो उसके आसपास का पर्यावरण होता है, उसके हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और उसके बदलते हिसाब के साथ इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बदलता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। यानी जो पहले के लोग थे वो प्रकृति के हिसाब से चलते थे, वो प्रकृति को चेंज नहीं करते थे। वो जैसी प्रकृति होती थी वैसे ही अपने आप को उसके हिसाब से ढालते थे या फिर करते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था एवं उनके आसपास की जो प्रकृति थी उसी से उनकी सारी आवश्यकता पूरी होती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तब मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कुछ नए तरीके निकाले। उसने फसल उगाई, पशुपालन किया एवं स्थायी जीवन जीना भी सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का वो लोग क्या करने लगे, व्यापार। पहले कैसे होता था, पहले एक तरीका होता था वस्तु विनिमय पद्धति। इसमें क्या होता था, इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु से अदला बदली करी जाती थी, यह एक व्यापार है। इसमें धन की प्रयोग नहीं थी। जहाँ पर सपोज मेरे पास एक सेब है और आपके पास एक आम है, अब आपका मन है कि मैं सेब खाऊं और मेरा मन है आम खाऊं, तो मैं आपसे आम ले लूँगा और आपको सेब दे दूँगा। तो यही होता है वस्तु विनिमय पद्धति। इसमें हमें मनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे से सामान लेते थे। अब मुद्रा आ गई, पैसे आ गए। अब आने से वस्तु विनिमय जो था वो ख़त्म हो गया और आजकल तो प्लास्टिक मनी आ गई। यानी लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने लगे, जिससे मुद्रा का भी उपयोग कम हो गया। अब मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में भी आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण भी बना लिया। जैसे कि हम सब देख सकते हैं मानव का पर्यावरण कैसे होता है, उसमें राजनीतिक स्थिति होती है, शिक्षा होती है, आर्थिक समस्या, बैंक होता है, धर्म होते हैं, समुदाय होते हैं कि वो क्या है, डॉक्टर है, नर्स है, ग्रोसर है, स्वीपर है, या फिर परिवार उसका क्या है, व्यक्ति है कैसा, क्या करता है, ये सब मनुष्य के पर्यावरण का हिस्सा है। आप लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद करते हुए हमें निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। अब हमें बताना है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता था, डॉक्टर, स्वीपर, ग्रोसर, नर्स, पुलिस विभाग और दूध विक्रेता। अब मानव पर्यावरण में कौन ज़्यादा उपयोगी नहीं रहे लॉकडाउन में, तो इलेक्ट्रीशियन, जिम, मॉल, होटल, ये सब उपयोगी नहीं रहे। इसकी वजह से हमें इन सब चीज़ों को बंद करना पड़ा। तो इस तरह से ये वर्कशीट, ये कार्यपत्र ख़त्म होता है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी वर्कशीट्स मिल सके। आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। सो यहाँ पर वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय। वी विल मीट।